आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। अब तक मुस्लिम करता बलात्कार तो उसके घर पर चल जाता बाबा का बुलडोजर वाला हथियार। गोपाल शर्मा जननायक विचार मंच लीडर। आजमगढ़ जिला के कंदरापुर थाना क्षेत्र के आजमपुर गांव में गत दिनों एक हिंदू अबोध बालिका का एक हिंदू दुराचारी द्वारा उसका रेप करके हत्या कर दी गई। जब परिजनों को इसका पता चला तो वह अपनी अबोध बालिका को खोजते हुए गांव के बाहर पहुंचे तो देखा कि सामाजिक भेड़िया यानी दुराचारी व्यक्ति दुराचार करने के बाद वहां से भाग रहा था। तब तक लोग उसे दौड़ाकर पकड़ लिए और घटना की सूचना पुलिस को दिया। पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और नाबालिग बच्ची का शव पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया। बता दें कि मृतक बच्ची हिंदू समाज में नाई परिवार यानी शर्मा परिवार से बिलोंग करती है। जैसे ही शर्मा समाज को इस बात की भनक लगी वैसे ही 26 तारीख को जननायक विचार मंच के लीडर राम गोपाल नंद शर्मा अपने अन्य साथियों के साथ पीड़ित परिवार के पास पहुँचे और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक इस घटना को कोई मुस्लिम अंजाम दिया होता तो उसके घर पर बाबा का बुलडोजर वाला हथियार चल गया होता। और इतना ही नहीं, पूरी मुस्लिम समाज को यही पुलिस और यही समाज प्रताड़ित करता। लेकिन आज एक वसी दरिंदा जो हिंदू समाज से विलान करता है, हिंदू समाज की मासूम बच्ची की असमत लूटने के बाद उसकी हत्या कर देता है और प्रशासन जनता द्वारा पकड़े गए अपराधी को जेल तो भेज दिया लेकिन आज तक पीड़ित परिवार का खोज खबर नहीं लिया। जबकि क्षेत्रीय सांसद दिनेश लाल यादव इसी क्षेत्र में शूटिंग कर रहे हैं किंतु आज तक गरीब के आशियाने पर पहुंचकर उसकी खोज खबर नहीं ले सके। इतना ही नहीं, मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं तो इसी समाज के कुछ लोग बेटियों के साथ हैवानियत से पेश आकर उसकी हत्या कर देते हैं और बड़े आराम से इस हैवानियत के घर वाले गाँव में चैन की सांस ले रहे हैं। जबकि पीड़ित परिवार को अभी भी आशंका है उसके साथ किसी बड़ी घटना दुर्घटना की। इस संबंध में जननायक विचार मंच से व हरि कमल जननाट्य सेवा संस्थान के डायरेक्टर रमेश शर्मा तथा गोपाल शर्मा नंद ने मुआवजे के तौर पर पीड़ित परिवार के लिए सरकार से 25 से 30 लाख रुपए तक की डिमांड की है। अगर पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं मिला तो वह लोग इस लड़ाई को ऊपर तक ले जाएंगे। न्यूज 9 भारत के लिए अपने सहयोगी मोहम्मद आसिफ के साथ रोशन लाल की खास रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ जिला के आजमपुर गांव में जहां विगत 17 तारीख को एक मासूम बच्ची के साथ दुराचार करने के बाद उसकी हत्या का मामला प्रकाश में आया, जिस चीज़ को लेकर इस क्षेत्र में काफ़ी हलचल मची हुई है। इसी कड़ी में पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए शर्मा परिवार के लोग आए हैं। आइए हम जानना चाहते हैं कि मतलब कहां तक इस लड़ाई को ये लोग ले जाएंगे और क्या चाहते हैं, क्या मकसद इनका। जी सर, अपना परिचय बताएं, क्या नाम पड़ेगा आपका? सर, मेरा नाम गोपाल शर्मा नंद है, मैं जननायक विचार मंच का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। नाई समाज के ऊपर लगातार उत्पीड़न बढ़ रहा है, जो कि 5-6 साल की बच्ची के साथ दुराचार हुआ और उसकी हत्या कर दी गई और शासन प्रशासन के लोग 2 दिन में ही सारा काम रफा दफा करके और अपने घर में बैठ गए। आज ये कांड अगर कोई मुसलमान किया होता तो उसके घर पर बुलडोजर चल गया होता या किसी बड़ी जात के साथ ये घटना हुई होती तो आज उसके घर राहत पहुंचा दी जाती। लेकिन आज एक नाई समाज की बेटी के साथ ऐसा हुआ है, प्रशासन और शासन के कानों पर जूं अब तक नहीं रेंग रहा है। साथियों, यह 17 तारीख की घटना है और आज तक इनके पास कोई भी सहयोग राशि नहीं पहुंची है। मैं शासन प्रशासन से यह मांग करता हूँ कि यह पीड़ित परिवार जो कि निहायत गरीब असहाय मजबूर है, इसको कम से कम 25 लाख की का अनुदान देने की कृपा करें। मैं अपने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं, अपने DM SP से निवेदन करता हूं
कि इस गरीब परिवार तक 25 लाख की सहायता राशि पहुंचाई जाए। अगर यह सरकार ऐसे ही सोई रही तो हम बेटी कैसे बचा पाएंगे और बेटी को कैसे पढ़ा पाएंगे, जो कि हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का नारा है कि ये जो है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। और हमारी नाई समाज की बेटी के साथ ऐसा दुर्दांत हुआ है, आज ही नहीं कम से कम नाई समाज को के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, इसको रोकने के लिए कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए सरकार को और नया कानून बनाना चाहिए कि नाई समाज का उत्पीड़न न हो सके। आप रमेश चंद्र शर्मा जी, आप हरिकमल जन नाट्य सेवा संस्थान के डायरेक्टर भी हैं, आप भी समाज से जुड़े हुए हैं। सरकार कहती है कि हमारे राज्य में जो है बेटियां सुरक्षित हैं, बेखौफ चल रही हैं, अपराधी जो है क्षेत्र छोड़ दिए हैं, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? इस संबंध में मुझे यही कहना है कि कहने के लिए सरकार तो बहुत कुछ कहती है लेकिन लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। जबकि 6 साल के लड़की के साथ बलात्कार करने के बाद जान से मार दिया गया, तो बलात्कार भी हुआ और मर्डर भी उसका हो गया, और ऐसे में अभी तक कोई नेता नहीं आया जो कि आकर के सांत्वना तक दे सके। जब कोई वोट लेना रहता है तो घर घर लोग जाकर के दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन आज ऐसी स्थिति में कोई नेता नहीं आया कि जो आकर क्षेत्रीय सांसद महोदय तो कह रहे हैं कि हम घर घर दौड़ रहे हैं, जनता भी चिल्ला रही है। क्षेत्रीय सांसद महोदय अपना काम कर रहे हैं, एक बार भी नहीं आकर के यहाँ पूछे न। कौन सा काम कर रहे हैं अपना? भाई फिल्म बना रहे हैं और भी दौड़ा कर रहे हैं इधर उधर, लेकिन गरीबों के घर कौन झांकने आता है? मैं तो यही जानता हूँ कि जिसके घर में गरीबी का शजर होता है उसका हर हुनर ऐब में महर होता है। तो ये स्थिति है, किसी अमीर की अगर लड़की रहती तो अब तक बहुत कुछ हो जाता, और लेकिन जात से भी गरीब और धन से भी गरीब, इसलिए इनकी कोई सुनवाई नहीं है। नहीं तो सांसद महोदय अब तक कई बार चक्कर मार दिए होते अगर किसी बड़े घर का मामला रहता तो, हैं, और 10-20 लाख का चेक काट दिए होते। अब क्या चाहते हैं आप? अब तो हम लोग यही चाहते हैं कि जो इसके साथ जो दुर्घटना हुआ है, ये बहुत शर्मसार करने वाली दुर्घटना है कि 6 साल के बच्ची के साथ ऐसा बेहव किया गया। उसके साथ वो कार्रवाई के साथ साथ कम से कम 25-30 लाख का इसको अनुदान मिलना चाहिए। इसकी जो क्षति पहुंची है उसके लिए ये सब है। तो अगर नहीं आपकी मांगें पूरी होती है तो आप क्या करेंगे? नहीं मांग पूरी होगी तो हम अपने पूरे समाज को लेकर के धरना प्रदर्शन करेंगे। आप मृत बच्ची के पिताजी हैं, क्या नाम आपका है? तेजी सर। क्या हुआ था और मतलब कि आपको सरकार से कुछ मिला कि नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं सरकार से मिला है। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं इंसाफ मिले, जैसे हमारी बच्ची मरी है इसी तरह वो भी मरे तो संतोष खाती है। आपके दरवाजे पे लोग आए हैं तो कहाँ तक आप उनके साथ चलेंगे? आप लोग साथ जहाँ तक लास्ट तक चलेंगे, धरना प्रदर्शन तक ले करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पीड़ित परिवार की मदद के लिए इनके साथ शर्मा समाज के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।